तो मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। कैडबरी बॉर्नविटा, ये तो आपने जरूर बचपन में खाया होगा और कई लोग तो आज भी खाते हैं क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। लेकिन कैडबरी बॉर्नविटा की जो मार्केटिंग है वो इस बात पे फोकस करती है कि बहुत ही अच्छी हेल्थ ड्रिंक है, हेल्थ एक तरह से हेल्थ सप्लीमेंट का काम कर सकती है। तो क्या सच में कैडबरी बॉर्नविटा के अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट एडिक्वेट अमाउंट में हैं, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। जो है इसकी बात करते हैं कि क्या ये जो 410 रुपये ले रहे हैं और जितने न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, जितना ये एक तरह से इनर स्ट्रेंथ फॉर्मूला इन्होंने लिख रखा है और स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रॉन्ग मसल एक्टिव ब्रेन की जो बात की है, क्लेम की है, क्या वो सच में मतलब इसमें कोई पॉइंट है या फिर ये सिर्फ खोखले वादे हैं। तो इन्होंने जो यहाँ पे है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट दे रखे हैं, जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट के बारे में बता रखा है और वो जो है ग्राम के अंदर हैं। कुछ जो है उससे और कम जो हमें चाहिए होते हैं विटामिन्स वो mg के अंदर बता रखे हैं और कुछ जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमें चाहिए होते हैं और वो माइक्रोग्राम की क्वांटिटी में बता रखे हैं। अब यहाँ पे जो है इन्होंने एक सर्विंग को माना है कि आप जो है 2 टीस्पून लीजिए, यानी कि तकरीबन 20 ग्राम लीजिए, उसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि पर डे आपको एक तरह से कितना मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है आपको पर सर्विंग जो है एक दिन में अगर आप लेते हैं यानी 20 ग्राम तो आपकी पर रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितनी होती है, यानी कि RDA, यानी कि रोज आपको एक्चुअल में कितनी जरूरत होती है, उससे कंपेयर करके आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि बेसिकली आप जो जितना प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके अंदर क्या उतने एडिक्वेट अमाउंट एक दिन के अंदर आपको मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जितने भी फंक्शन दे रखे हैं उन फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि नोन बेनिफिट जितने भी बता रखे हैं वो सारे एक तरह से सही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात है यहाँ पे क्या उतनी क्वांटिटी प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, जितने भी मैंने रिकमेंडेड डेली अलाउंस लिए हैं, यानी कि जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, वो सिर्फ बच्चों के लिए लिए गए हैं, तो बड़ों के लिए तो आप बात ही भूल जाइए। और दूसरी बात है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से लिए गए, मतलब ज़्यादातर जो है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो कि ICMR के द्वारा जो है गवर्न एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद के अंदर, तो वो जितना रिकमेंडेड डेली अलाउंस देता है उसके हिसाब से किया है। तो ये बिल्कुल आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से जितना सही बैठता है उसके हिसाब से। तो इसके अंदर जो है इन्होंने मेनली जो बता रखा है फॉस्फोरस, विटामिन डी, प्रोटीन, आयरन फोलेट, विटामिन B12, आयोडीन, इनके बारे में मेजरली बता रखा है। और एक तरह से पूरा जो इनका इन्होंने बता रखा है इनर स्ट्रेंथ फॉर्मूला और जो आपने तन की शक्ति मन की शक्ति इधर लिखा हुआ है, और इसके अलावा जो आप जितने भी देखते होंगे एड वगैरह भी देखते होंगे तो वो काफ़ी इमोशनल होते हैं कि माँ अपने बेटे को पूरा एक तरह से मतलब हेल्दी डाइट देना चाह रही है और उसकी जो है उस चाह में जो है बॉर्नविटा उनका साथ दे रहा होता है। और यहाँ पे बहुत सारे इन न्यूट्रिएंट की अब जो है मैं वन बाय वन करके बात करता हूँ। तो सबसे पहले प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन यहाँ पर सर्विंग के अंदर ये देते हैं कि आपको 20 ग्राम अगर आप लेते हैं तो 1.4 ग्राम जो है वो मिलता है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि तकरीबन 7% जो है वही उतना ही इसमें प्रोटीन कॉन्टेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये प्रोटीन कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा कम है, स्पेसिफिकली अगर आप बच्चों के लिए डील कर रहे हैं तो उनके हिसाब से तो 1.4 ग्राम का कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर इनफैक्ट अगर आप दूसरे जो मैंने जैसे बहुत सारे पहले वीडियो बनाए हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में, तो अगर आप उनको अगर कंपेयर करते हैं तो मोस्ट ऑफन जितने भी सप्लीमेंट आते हैं प्रोटीन से रिलेवेंट वो 70-80% कंटेंट जो उनका जो टोटल जैसे पाउडर होता है तो उसमें 70-80% केवल प्रोटीन होता है, यानी कि लेट्स से कि अगर आप 20 ग्राम अगर आप उसको स्कूप को लेंगे तो वहाँ पे आपको तकरीबन जो है 14 से 16 ग्राम के अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, जो कि अगर इसके कंपेरिजन में इनका देखा जाए तो ये केवल 1.4 ग्राम ही देते हैं। तो प्रोटीन तो जो कि बहुत ही एसेंशियल कॉम्पोनेंट होता है आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, वही जो है मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो प्रोटीन के कंटेक्स्ट में तो बिल्कुल इसका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है। इसके अलावा अगर मैं फास्फोरस की भी बात करूँ तो ये 46 mg प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको 46 mg नहीं बल्कि तकरीबन 10 गुना ज़्यादा फास्फोरस चाहिए होता है। और भी जैसे मैं विटामिन की बात करूँ, जैसे इन्होंने विटामिन डी बताया, विटामिन B12 बताया है, तो ये भी जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हैं कि मैंने जितनी रिकमेंडेड डेली अलाउंस बताया है उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा ये कम है, मतलब कुछ तो 5-5, 10-10 गुना कम है और कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जब बच्चों के लिए ही जो है ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि एज एन एडल्ट अगर आप सोच रहे हैं इसको एज अ हेल्थ ड्रिंक लेने का तो मतलब कितना बड़ा ब्लंडर है अपने आप में ये। इसके अलावा अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी बात करें, जैसे आयोडीन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, इसके अलावा आयरन दे रखा है, तो ये भी अगर आप देखेंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उतने एडिक्वेट अमाउंट में आपको नहीं मिलते हैं जितना कि आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट होती है, जितना आपके बच्चे की जो है डेली रिक्वायरमेंट होती है।
अगर एडिक्वेट अमाउंट की बात की जाए तो जितना मैंने इन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट की कंपैरिजन किया है तो सिर्फ आयरन है, कॉपर है और विटामिन B12 है, जो कि एक तरह से एडिक्वेट अमाउंट में जितना आपके बच्चे की बॉडी को रोज़ रिक्वायरमेंट होती है उतना मिलता है। बाकी जितने भी मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट इन्होंने दे रखे हैं वो भले मैक्रो न्यूट्रिएंट हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, कोई भी एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जो है कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मिलता है वो आपके बच्चे की जितनी ज़रूरत है उससे काफ़ी कम मिलता है। अगर वैल्यू फॉर मनी की बात की जाए तो ये 1 kg का जैसे मैंने बताया 410 रुपये है, लेकिन उसी तरह से 1 kg का प्रोटीन सप्लीमेंट जो आते हैं वो 1000 से 1500 रुपये का आता है, जो कि टेस्टलेस होते हैं। तो एक तरह से वो काफ़ी ज़्यादा आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ती हुई उम्र के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मैंने आपको अलग अलग वीडियो में बता भी रखा है और लिस्ट में भी मैंने दे रखा है। तो उसको जो है आप देखा जाए तो मेरी नज़र में ये सिर्फ टेस्ट के मुकाबले देखा जाए तो इससे बढ़िया टेस्ट आज की तारीख में कोई नहीं, लेकिन अगर आपको न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के मामले में देखा जाए तो आपको इसको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स से जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो कंक्लूड करना हो तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप बेसिकली अपने बच्चे को बॉर्नविटा के साथ जो है साथ में कुछ और जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट आते हैं जिनका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे जो हैं वो बहुत टेस्ट के ओरिएंटेड होते हैं और बहुत मूडी होते हैं, तो आप जो है उसको बॉर्नविटा के साथ मिला के और फिर ऐसे कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर कुछ इस तरह के च्यूएबल विटामिन मिनरल्स दे सकते हैं, जिससे कि जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। सोलेली आपको बॉर्नविटा पे रिलाई नहीं करना चाहिए। यस आई अंडरस्टैंड कि इससे टेस्ट काफ़ी एनहेंस होता है, मैं खुद इसे आज भी पसंद करता हूँ और मैं खुद भी पीता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इसको बिल्कुल मतलब एक तरह से हेल्दी डाइट समझ के या हेल्दी सप्लीमेंट समझ के लें। बाय द वे अगर आपको टेस्ट जो है वो पसंद है अगर तो इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक लगा रखा है, आप उसे देख सकते हैं और वहाँ से खरीद सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट या कुछ विटामिन मिनरल सप्लीमेंट की भी अगर आपको रिक्वायरमेंट समझ में आती है तो उसका भी मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर भी जाके उसे परचेज कर सकते हैं और अपने बच्चे को एक तरह से होलिस्टिक ग्रोथ दे सकते हैं। ऑब्वियसली आप अपने को भी जो है बेनिफिट कर सकते हैं उन्हीं विटामिन मिनरल्स एंड प्रोटीन सप्लीमेंट से। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।